हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। पिछले 2-3 दिनों से मैं ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहा था हेल्थ इश्यूज की वजह से। तो आज मैंने सोचा कि बच्चों के क्लास का लॉस ना हो, इसके लिए मैं छोटे छोटे 10-10 15 15 मिनट के स्लॉट के अंदर 2-3 बार वीडियो रिकॉर्ड करके उनको साथ में मर्ज करके बच्चों के लिए भेज सकता हूं, ताकि कम से कम स्टडी लॉस ना हो। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं 11th का, सेल डिवीजन सेल साइकिल, उसके अंदर टाइप ऑफ मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन के प्रकार एक टॉपिक है जो एनसीईआरटी में वैसे तो सेल डिवीजन चैप्टर में नहीं दिया हुआ, पर ये उसी से को रिलेटेड है और रियलिटी में आता है आपके प्लांट क्लासिफिकेशन टॉपिक में। देखो, मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन है ना, उसके 3 टाइप है। उन टाइप्स को सिक्वेंस से हम एक कहते हैं जाइगोटिक मियोसिस, एक को हम कहते हैं गैमेटिक मियोसिस और एक को हम कहते हैं स्पोरिक मियोसिस। इनमें से मैं आपको एक तो ह्यूमन के एग्जाम्पल से समझाऊंगा और दो एग्जाम्पल्स, मतलब दो टाइप आपको समझाए जाएंगे प्लांट्स के एग्जाम्पल के साथ साथ। आइए देखते हैं क्या है। आपको ये टॉपिक समझ में आए इससे पहले बहुत जरूरी है कि आपको ये हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड का लफड़ा पता हो। क्या होता है हैप्लॉइड, क्या होता है डिप्लॉइड, आई होप आप सबको पता है। और रिकॉल करने के लिए देखो, एक सिंपल सा डायग्राम हमारे पास में है। ये मान लें कि स्पर्म्स है जिनके पास 23 क्रोमोजोम्स है, और ये हो गया ओवम जिसके पास भी 23 क्रोमोजोम्स हैं। अब इसके 23 और इसके 23 जब फर्टिलाइजेशन होता है तो आपस में मर्ज हो जाते हैं, आपस में पेयरिंग कर लेते हैं, जोड़े बना लेते हैं, और नंबर ऑफ क्रोमोजोम उससे 46 हो जाता है आपके किसके अंदर, जायगोट या युग्मनज के अंदर। तो देखो, जो स्पर्म का 23 है उसको हम एन कहेंगे और जो ओवम का 23 है उसको भी हम एन कहेंगे। देखो, यहां पर फर्टिलाइजेशन में इन दोनों के एन आपस में मिक्स हो रहे हैं, तो इसका एन और इसका एन, दोनों एन मिलकर हो गए यहां पर 2N। तो अब ये वर्ड सामने एक्सप्लेन हुए पड़े हैं कि हैप्लॉइड में तो क्रोमोजोम्स का वन ग्रुप और वन सेट होगा, जैसे ओवम में भी है और स्पर्म में भी है, और डिप्लॉइड या द्विगुणित या 2N के अंदर क्रोमोजोम के 2 सेट होंगे, जैसा कि जायगोट या युग्मनज में या हमारे बॉडी की नॉर्मल सारी सेल्स के अंदर होता है। कि ठीक है सर, ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। देखो, आगे देखते हैं इसके बाद। अब जब आपको N और 2N, मतलब कि डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड, द्विगुणित और अगुणित समझ में आ चुका है, तो अब आपको समझ में आना जरूरी है कि आपको पता हो कि क्या होती है गैमेटोफाइटिक जनरेशन और क्या होती है स्पोरोफाइटिक जनरेशन। मुझे बस वर्ड्स लिंक करने हैं, बाकी एक्सप्लेन तो यहां पर सामने ही कर दिया गया है। अगर किसी प्लांट के लाइफ साइकिल के अंदर उसकी नॉर्मल सेल्स में क्रोमोजोम्स एन या हैप्लोइड हो तो वो गैमेटोफाइटिक जनरेशन होगी, तो वो गैमेटोफाइटिक जनरेशन होगी। सर, उसको हैप्लोइड जनरेशन की बजाय गैमेटोफाइटिक जनरेशन नाम क्यों दिया? क्योंकि वो गैमेट्स को प्रोड्यूस करती है। गैमेटोफाइटिक जनरेशन गैमेट्स या युग्मकों को प्रोड्यूस करती है, इसीलिए उसको गैमेटोफाइटिक जनरेशन कहा गया है। क्लियर सर, ये दिमाग में क्लियर हो गया। तो देखो, फिर डिप्लॉइड और 2N, जिनके अंदर सेल्स के न्यूक्लियस में क्रोमोजोम के 2 सेट होंगे, जो पैटर्नल साइट और मैटरनल साइट, माता और पिता दोनों के साइड से आए हुए हैं, वो दोनों क्रोमोजोम के सेट्स प्रेजेंट होंगे, तो इसको कहते हैं स्पोरोफाइटिक जनरेशन। अब इसको स्पोरोफाइटिक जनरेशन क्यों बोला, आप ऊपर से लिंक कर सकते हैं, गैमेट का प्रोडक्शन किया है तो गैमेटोफाइटिक जनरेशन हो गई, और स्पोर्स का प्रोडक्शन करेंगे तो स्पोरोफाइटिक जनरेशन हो जाएगी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर इन गैमेट्स में और इन स्पोर्स में अंतर क्या है, वो हम आगे की स्लाइड में धीरे धीरे समझते जाएंगे। देख लो, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड का फंडा यहां समझ सकते हैं आप आराम से। यहां पर देखो, मेल एंड फीमेल गैमेट का इधर का भी एन था, उधर का भी एन था, और यहां पर दोनों के दोनों एन मिक्स हो गए तो वो डिप्लॉइड या 2N बन गया। तो समरी लाइन क्या बनी, प्लांट की वो जनरेशन या पीढ़ी जो कि गैमेट को प्रोड्यूस करती है उसे गैमेटोफाइटिक जनरेशन कहते हैं। उनकी सेल्स के अंदर क्रोमोजोम्स का 1 सेट होता है, इसलिए इसे हैप्लोइड या एन भी कहते हैं। प्लांट की लाइफ साइकिल की वो जनरेशन जो स्पोर प्रोड्यूस करती है उसे स्पोरोफाइटिक जनरेशन कहते हैं, और वो डिप्लॉइड या 2N क्यों है, क्योंकि इनकी सेल्स के न्यूक्लियस में क्रोमोजोम के 2 सेट्स प्रेजेंट है।
ये समरी हो गई दोनों स्लाइड्स की। फिर देखें आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब आ गया मेन टॉपिक आपके डिफरेंट टाइप ऑफ मियोसिस। मियोसिस के अलग अलग टाइप क्या होते हैं अब हम ये समझेंगे। देखो सबसे पहला है गैमेटिक मियोसिस। गैमेट मतलब कि युग्मक, जैसे कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट। ये प्लांट्स में भी होंगे, ये एनिमल्स में भी होंगे। इसका मतलब आप इसको बड़ा इजीली प्लांट और एनिमल दोनों के रेफरेंस के साथ समझ सकते हो कि चलो कि आइए सर शुरू करते हैं बिना किसी डैश 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 के। तो ये जो गैमेटिक मियोसिस है इसका जो आपको स्लाइड दिखाया जा रहा है ये वही नोट्स है जो आपको सेंड किए गए हैं। इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में सेंड कर दिए गए हैं और हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में सेंड कर दिए गए हैं ताकि आपके नोट्स बनाने में भी कोई दिक्कत ना आए। देखो यहां पर ये एक लाइफ साइकिल है किसी ह्यूमन बींग का। अब मानव के अंदर देखो क्या होगा, मान लो ये छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा मे भी फीमेल होगा मे भी मेल होगा, मेल है तो टेस्टिस होगा फीमेल है तो उसमें ओवरीज होगी। अब उनमें मियोसिस कब होगा, जब गैमेट बनाने होंगे। गैमेट कौन है, स्पर्म एंड ओवम। तो फीमेल एंड मेल के अंदर मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन तब होगा जब उनमें ओवम या स्पर्म्स बनेंगे। अब आपको ये ऑलरेडी पता है कि मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन से 2n सेल n में कन्वर्ट हो जाती है कि यस सर हमें पता है ये। तो यहां पर मियोसिस से पहले तो 2n और डिप्लॉइड स्टेज थी, 2n और डिप्लॉइड स्टेज थी, पर मियोसिस होने के बाद ये स्पर्म एंड ओवम n हो गए। स्पर्म एंड ओवम क्या हो गए, n हो गए। जब ये स्पर्म एंड ओवम मतलब कि मेल एंड फीमेल गैमेट बने तो इन्होंने फर्टिलाइजेशन किया तो जायगोट बना, जायगोट वापस 2n बन गया, जायगोट वापस 2n बन गया। अब देखो मियोसिस कब हुआ है, जब आप ये सोचेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि इसको गैमेटिक मियोसिस क्यों बोला गया है। आप ये देख और समझ सकते हैं यहां पर कि गैमेट्स को बनाने के लिए, गैमेट्स को बनाने के लिए मियोसिस किया गया है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, गैमेटिक मियोसिस कहा गया है। अब देखो इसे टर्मिनल मियोसिस भी कहा जाता है, इसे टर्मिनल मियोसिस भी कहा जाता है। ये लाइफ साइकिल के रेफरेंस में है। आप मुझे ये बात बताओ जब एक मेल या फीमेल के बॉडी से गैमेट बन जाएंगे तो गैमेट तो आगे जाकर फर्टिलाइजेशन करके नेक्स्ट जनरेशन या अगली पीढ़ी का बच्चा पैदा करवाएंगे। तो क्या गैमेट्स के बनने के बाद इन दोनों की लाइफ साइकिल का इस डायरेक्शन में टर्मिनेशन नहीं हो गया क्या? इस डायरेक्शन में टर्मिनेशन क्यों हो गया, क्योंकि आगे तो नेक्स्ट जनरेशन लल्ला या लल्ली आने वाले हैं ना। तो इसलिए गैमेटिक मियोसिस को क्यों कहा गया, क्योंकि ये गैमेट के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसको टर्मिनल मियोसिस क्यों कहा गया, क्योंकि पिछली जनरेशन के लाइफ से रिलेटेड इवेंट यहां पर फिनिश हुआ है और फर्टिलाइजेशन के बाद नेक्स्ट जनरेशन का इनिशिएशन या स्टार्ट हो गया है, इसलिए इसको टर्मिनल मियोसिस कहा गया है। आई होप आपको सबको आराम से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आती है जायगोटिक मियोसिस। नेक्स्ट आती है जायगोटिक मियोसिस। अब आप यहां पर वर्ड का मीनिंग पीछे से मैच नहीं कर सकते कि सर क्या कहना चाहते हो। देखो पीछे तो हमने क्या कह दिया, गैमेट को बनाने में काम में आया इसलिए गैमेटिक मियोसिस है, पर यहां पर आप ये नहीं कह सकते कि जायगोट बन रहा है इससे इसलिए जायगोटिक मियोसिस है। ना लल्ला ना, ऐसा नहीं होगा। गज्जू एंड गज्जी, लल्ला एंड लल्ली, डोंट थिंक लाइक दैट। नोट्स आप खुद देख लेना, मैं तो समझाने का काम कर रहा हूं। देखो समझते हैं आप इधर, यहां पर ये जो आप लाइफ साइकिल देख रहे हैं ना, ये प्लांट के ग्रुप जिसे एल्गी या सैवाल कहा जाता है उनके लाइफ साइकिल का सिंपलेस्ट डिस्क्रिप्शन है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। आपको ये मैं समझा चुका हूं कि जो 2n और n है ये किसी प्लांट की लाइफ साइकिल की अलग अलग जनरेशन की सेल्स में प्रेजेंट क्रोमोजोम के नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कि यस ये तो समझ में आ गया। तो देखो जो एल्गी या सहवाल है ना वो लोअर क्लासिफिकेशन में आते हैं प्लांट के क्लासिफिकेशन में, मतलब ये निम्न स्तरीय लोअर प्लांट्स हैं। कि ओके सर ये भी बड़ी सिंपल सी चीज है, हम तो समझ गए, आप आगे बताओ। तो देखो आगे की चीज समझो, जो लोअर प्लांट्स होते हैं ना उनकी जो मेन प्लांट बॉडी है उनका जो मुख्य पादप शरीर है वो होता है आपके एन मतलब कि हैप्लॉइड।
तो जो एल्गी है ना, उन एल्गी के लाइफ साइकिल में उनकी जो नॉर्मल बॉडी होगी प्लांट की, मतलब एल्गी की, वो हैप्लोइडिया एन होगी। इसका मतलब उनकी सेल्स में क्रोमोजोम का वन सेट है, टू टू सेट साथ में नहीं बैठे हैं। अब कि सर नहीं, आप तो जायगोटिक मियोसिस समझा रहे थे ना, कहां डाइवर्ट हो रहे हो, अरे आपस में लिंक्ड है। आइए देखते हैं, गैमेटोफाइट, याद करो पीछे मैं समझा चुका हूं कि गैमेटोफाइटिक जनरेशन का मतलब है गैमेट बनाने वाला, कि यस सर। तो देखो ये जो गैमेटोफाइट है ना, ये गैमेटोजेनेसिस करेगा, मतलब कि युग्मक जनन करेगा। तो इससे पहले सेल्स, सॉरी, इसके इस गैमेटोजेनेसिस के करने से, युग्मक जनन के करने से यहां पर गैमेट्स बन जाएंगे, एक बन जाएगा आपके मेल गैमेट और एक बन जाएगा आपके फीमेल गैमेट। अब मेल गैमेट भी एन है, फीमेल गैमेट भी एन है, दोनों एन एन जब सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन करेंगे तो सिनगैमी के करने से जायगोट बनेगा, और ये जायगोट इसका एन और इसका एन मिलाकर कितना हो जाएगा, टू एन हो जाएगा, डिप्लॉइड हो जाएगा। कि सर ठीक है, ओके है कॉन्सेप्ट, ये तो समझ में आ गया कि मेल और फीमेल गैमेट जो एन या हैप्लॉइड या अगुणित है, ये आपस में सिनगैमी करके जायगोट बनाएंगे जो कि टू एन होगा। अब देखो, सोचना अच्छे से, पिछले लाइफ साइकिल से कंपेयर करो, पिछले लाइफ साइकिल के अंदर तो ये जो जायगोट बनाया था, इसी से छोटो सा, नन्ना सा, मुन्ना सा, लल्ला बना था या लल्ली बना था। तो इसका मतलब हम 2N या डिप्लॉइड जायगोट के बने थे पीछे वाले लाइफ साइकिल के अंदर, पर अबे ओ बंदर इस लाइफ साइकिल में देख, यहां पर ये जैसे ही जायगोट बना, जायगोट में इमीडिएटली तुरंत प्रभाव से हो जाएगा मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। तो यहां जब मियोसिस हो जाएगा तो ये जो 2N जायगोट है, इस 2N जायगोट से, इस 2N जायगोट से N सेल्स बनेगी और वो होगी आपके स्पोर्स, और वो होगी आपके स्पोर्स। कि सर क्या कह रहे हो? अब यहां पर एक लोचा आ गया हमारे दिमाग में कि सर एक बात बताओ, कि आपने पीछे कहा था कि स्पोरोफाइटिक जनरेशन वो होगी जो स्पोर्स बनाएगी। मैं कह रहा हूं हां, अभी भी यही कह रहा हूं, स्पोरोफाइटिक जनरेशन वही होगी जो स्पोर्स बनाएगी। सर फिर यहां पर क्या आप ये कहना चाहते हो कि ये जो जायगोट है, ये जायगोट ही स्पोरोफाइटिक जनरेशन है, क्योंकि इसी ने तो स्पोर बनाया है? तो लल्ला यस, ऐसा अगर तुम सोच रहे हो तो दिमाग रखते हो, आप सही सोच रहे हो। इसी जायगोट ने स्पोर्स को बनाया है, तो जायगोट है स्पोरोफाइटिक जनरेशन। पर हमारा यहां पर मेन फोकस क्या है कि जायगोटिक मियोसिस क्या होता है? अब आप समझ गए होंगे कि जायगोटिक मियोसिस वो है जो जायगोट में होता है, जायगोटिक मियोसिस वो है जो जायगोट में होता है, पर गैमेटिक मियोसिस वो था जिससे गैमेट बने थे। तो जायगोटिक मियोसिस में मियोसिस जायगोट में होगा, उससे एन या हैप्लोइड सेल बनेगी, ये एन या हैप्लोइड सेल आपके स्पोर्स होगी। अब अच्छा और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट एग्जाम के लिए याद रखना कि स्पोर का काम क्या है, क्या याद रखना कि स्पोर का काम क्या है, स्पोर का फंक्शन होता है गैमेटोफाइटिक जनरेशन या युग्मकोद्भिद पीढ़ी को डेवलप करना। तो देखो इन स्पोर्स ने यहां गैमेटोफाइट को डेवलप कर दिया है। अब मैं तीन कॉमन इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं जो बातों में समझा चुका हूं। गैमेटोफाइटिक जनरेशन वो है जो गैमेट्स बनाए, देख लो गैमेटोफाइटिक जनरेशन ने गैमेट्स बनाए, स्पोरोफाइटिक जनरेशन वो है जो स्पोर्स बनाए। ये देखो ये स्पोरोफाइटिक जनरेशन जो केवल यहां पर जायगोट की बनी है, इसमें और कुछ नहीं है, हायर प्लांट्स में और बहुत डेवलप्ड स्ट्रक्चर आ जाएगी। तो स्पोरोफाइटिक जनरेशन ये वो है जिसने स्पोर्स बनाए। फिर स्पोर्स का खुद का फंक्शन क्या है? स्पोर का फंक्शन है कि वो खुद हैप्लोइड या एन होते हैं और आपके गैमेटोफाइटिक जनरेशन या युग्मकोद्भिद पीढ़ी को डेवलप करते हैं। समझ में आ गई ये बात? ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रखने नहीं होते, इस तरीके से समझने होते हैं। अब देखो जायगोटिक मियोसिस को इन्होंने क्या नाम दिया है? इनिशियल मियोसिस। इन्होंने मतलब हमने क्या नाम दिया है? इनिशियल मियोसिस। क्या सोच के बताओ
यहां पर जब जायगोटिक मियोसिस हुआ तो ये जो स्पोर्स बने, क्या ये स्पोर नेक्स्ट जनरेशन की स्टार्टिंग को डिनोट कर रहे हैं? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस गैमेटोफाइटिक जनरेशन का इनिशिएशन कहां से हुआ, इस गैमेटोफाइटिक जनरेशन की पहली सेल कौन है, तो आप चिल्ला चिल्ला के क्या कहेंगे, अरे सर स्पोर है। तो क्या जायगोटिक मियोसिस के होने से स्पोर्स बने और उन स्पोर्स ने क्या गैमेटोफाइटिक जनरेशन को इनिशिएट किया, स्टार्ट किया, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, इनिशियल मियोसिस नाम दिया गया है। देखो वैसे मैं ये जो लाइफ साइकिल्स की हेल्प ले रहा हूं ये टॉपिक समझाने के लिए, ये प्लांट क्लासिफिकेशन में एनसीईआरटी में सबसे लास्ट पेज पर दिए गए टॉपिक्स हैं, पर इनका रिलेशन डायरेक्टली मियोसिस से है इसलिए मैं आपको ये अभी पढ़ा रहा हूं। अब देखिए आगे बढ़ते वक्त नेक्स्ट आता है आपके स्पोरिक मियोसिस। अब ये स्पोरिक मियोसिस क्या है समझाता हूं। अब ये स्पोरिक मियोसिस क्या है मैं आपको फटाफट समझाता हूं। स्पोरिक मियोसिस के लिए सबसे पहले तो हम हायर प्लांट्स को डिस्कस करेंगे, जिनके अंदर टेरिडोफाइटा, जिसके अंदर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आएंगे। ये टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर हायर क्लासेस है, पीछे एल्गी थी वो लोअर क्लास थी। तो देखो इसके लिए हम हेल्प लेंगे एक टेरिडोफाइट प्लांट की लाइफ साइकिल की। पीछे जो दोनों आपको टाइप समझाए थे उसके अंदर ह्यूमन वाली लाइफ साइकिल के अंदर तो मेन जनरेशन 2N थी, हम 2N या डिप्लॉइड या द्विगुणित है। एल्गी वाले लाइफ साइकिल के अंदर क्या हुआ था, एल्गी वाले लाइफ साइकिल के अंदर मेन जनरेशन N या हैप्लॉइड थी, के यस ये समझ में आ गया। पर यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं ना उसके अंदर देखना जायगोट डायरेक्टली मियोसिस नहीं करेगा, पीछे वाले लाइफ साइकिल में दिमाग में रखना, जायगोट ने यहां पर डायरेक्टली मियोसिस कर लिया। अभी जो हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे उसके अंदर जायगोट डायरेक्टली मियोसिस नहीं करेगा, पहले एक डेवलप्ड प्लांट बॉडी बनाएगा। और आप खुद सोच सकते हैं जब जायगोट या 2N बनाएगा तो वो उससे बनने वाली प्लांट बॉडी डिप्लॉइड होगी कि हैप्लॉइड होगी, जल्दी से आंसर दो। तो वो होगी ना डिप्लॉइड, तो बताओ डिप्लॉइड होगी जब जायगोट से बनने वाली प्लांट जनरेशन, तो वो स्पोरोफाइटिक हुई कि गैमेटोफाइटिक हुई? दिमाग लगाया गज्जू ने, लल्ला ने, और चैट में आंसर दिया, कमेंट्स में आंसर दिया कि सर स्पोरोफाइटिक होगी, क्योंकि आपको ये मैं पीछे ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, स्पोरोफाइटिक वो जनरेशन है जो स्पोर बनाए और जिसकी सेल्स 2N या डिप्लॉइड या द्विगुणित हो। सोचना समझना अच्छे से, एनालिसिस करना इस टॉपिक का, तब समझ में आएगा और परमानेंट याद हो जाएगा। अब देखो इसमें शुरुआत कहां से करेंगे, टेरिडोफाइटा के अंदर पीछे वाली दो लाइफ साइकिल की तरह ऐसे नहीं होगा कि या तो डिप्लॉइड हावी है और या फिर हैप्लॉइड हावी है, ऐसा नहीं होना है। यहां पर हम देखेंगे कि हमें गैमेटोफाइट भी अच्छा खासा वेटेज रखता हुआ मिलेगा और स्पोरोफाइट भी अच्छा खासा वेटेज रखता हुआ मिलेगा। कि सर क्या कह रहे हो, मैं इशारा कर रहा हूं आपके लिए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की तरफ या पीढ़ी एकांतरण की तरफ। इसे कहा जाता है अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन, जिसके अंदर उस प्लांट की लाइफ साइकिल में गैमेटोफाइट भी काफी इंपॉर्टेंस रखता है, मतलब कि वो खुद का फूड खुद बना सकता है, डेवलप्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, और उसका जो स्पोरोफाइट है वो भी अपना फूड खुद बना सकता है और वो भी डेवलप्ड कंडीशन में रहता है। जब दोनों गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट अपना फूड खुद बना पाते हैं, डेवलप्ड प्लांट बॉडी बनाते हैं, तो ऐसे लाइफ साइकिल को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। और ये बहुत अच्छे से देखा जाता है टेरिडोफाइट, जो आपके प्लांट क्लासिफिकेशन में पढ़ाया जाएगा उस ग्रुप के अंदर।
अब देखो ये स्पोरोफाइट है तो आप ये समझ सकते हैं कि ये 2N होगा, तो आप समझ सकते हैं कि ये 2N होगा। इसके पीछे जाते हैं तो ये जायगोट से बना है, आपको बताया था जायगोट क्या डेवलप करेगा, स्पोरोफाइटिक जनरेशन डेवलप करेगा, तो जायगोट है तो ये भी क्या होगा 2N होगा, मतलब कि डिप्लॉइड होगा। कि सर ओके आगे बढ़ो, तो 2N जायगोट ने स्पोरोफाइटिक जनरेशन या 2N जनरेशन डेवलप की। डायरेक्टली जायगोट में मियोसिस नहीं हुआ है, डायरेक्टली जायगोट में मियोसिस नहीं हुआ है, स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल ऑर्गन्स एंड फीमेल ऑर्गन्स, जो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में डिटेल में हम पढ़ाएंगे, उसके अंदर बताएंगे, उन मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हम स्पोरोफाइट के उन ऑर्गन्स में मियोसिस करेंगे, मतलब ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होगा। जब ये मियोसिस होगा तो स्पोर्स बनेंगे। अब आप कहोगे सर जायगोटिक मियोसिस में भी स्पोर बने थे, यस, कि सर आप यहां पर स्पोरिक मियोसिस बता रहे हो उसमें भी स्पोर्स बनेंगे, हाँ यस, कि सर डिफरेंस क्या हुआ, मैं इशारा कर चुका हूं पहले ही, उधर जायगोट में डायरेक्टली मियोसिस हुआ था, यहां पर डायरेक्टली मियोसिस नहीं है, पहले जायगोट स्पोरोफाइटिक जनरेशन बना रहा है और उस प्लांट बॉडी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल और फीमेल ऑर्गन्स में मियोसिस होगा तब स्पोर्स बनेंगे। कोई भी डाउट आ रहा है वीडियो के अंदर तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे तुरंत का तुरंत क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखें ये जो स्पोर्स बने, सीधी सी बात है मियोसिस से बने हैं, तो इससे पहले 2N कंडीशन थी और स्पोर्स N बनेंगे। पीछे इसी वीडियो में मैं बता चुका हूं स्पोर्स का काम क्या है, गैमेटोफाइटिक जनरेशन को डेवलप करना, तो ये N होगी। अब गैमेटोफाइटिक जनरेशन का काम क्या है, देखो मैं रिवाइज करा रहा हूं सेम टॉपिक को इसी वीडियो के अंदर ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। गैमेटोफाइटिक जनरेशन क्या बना रही है, गैमेट बना रही है, तो गैमेट्स भी क्या होंगे, N होंगे, और वही मेल और फीमेल गैमेट मिलेंगे तो क्या करेंगे, ये मत कहना हवन करेंगे, हवन करेंगे, अरे मेल और फीमेल गैमेट मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन करेंगे, अरे हवन नहीं करेंगे। अब वो आपकी फीलिंग इस बारे में क्या है वो एक अलग बात है रे भाई। तो ये जो मेल और फीमेल गैमेट है, इन्होंने फ्यूजन किया, फर्टिलाइजेशन किया, तो वापस 2N जायगोट बन गया। कि सर ये तो आप इस लाइफ साइकिल की समरी समझाने लग गए, यस, पर साथ साथ में बहुत जरूरी था कि हम क्या समझे, हम क्या समझे स्पोरिक मियोसिस। देखो स्पोरिक मियोसिस के अंदर जायगोट से पहले स्पोरोफाइटिक जनरेशन बनेगी, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी के मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन के अंदर मियोसिस होगा और उससे स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स आगे डेवलप कर देंगे गैमेटोफाइटिक जनरेशन को, और गैमेटोफाइटिक जनरेशन गैमेट बना देंगे, गैमेट आपस में फर्टिलाइजेशन कर देंगे, फर्टिलाइजेशन से जायगोट बनेगा और जायगोट वापस स्पोरोफाइटिक जनरेशन को डेवलप कर देगा। ये मैंने पूरे लाइफ साइकिल को बातों बातों में आपको बोल के समझा दिया। अब देखो इसको क्या बोला गया है, अरे ओ भोला, इसको क्या बोला, इसको बोला इंटरमीडिएट मियोसिस, और जानबूझ के ये नाम हमने इस लाइफ साइकिल के डायग्राम के बाद यूज किया है। क्या आप ये सोच सकते हैं कि इस मियोसिस के बाद गेमेटोफाइटिक जनरेशन डेवलप्ड रहेगी और इस मियोसिस से पहले स्पोरोफाइटिक जनरेशन डेवलप्ड रहेगी, तो क्या ये दो जनरेशंस जिनका नाम स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक है, क्या उनके बीच का इंटरमीडिएट है क्या, क्योंकि उसके बाद ये डेवलप्ड और उससे पहले ये डेवलप्ड, इसलिए इसको क्या कहा गया है, इंटरमीडिएट मियोसिस। तो मैं आपको यहां पर मियोसिस के बहाने से थोड़ा बहुत प्लांट्स के लाइफ साइकिल के बेसिक्स भी समझा चुका हूं कि ओके सर ठीक है बढ़िया है, खोपड़िया में घुस गया है। अगर खोपड़िया में नहीं घुसा है तुरंत कमेंट बॉक्स के अंदर डाउट पूछें, क्या समझ में नहीं आया है मुझे बताना ना भूलें, क्योंकि जब आप हमसे अपने दिल की बातें, सॉरी अपने दिमाग की बातें कहेंगे तभी तो हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। अब देखो आपके नॉलेज को अप्लाई करने के लिए बता दूं, जिन बच्चों ने प्लांट क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा हुआ है उनके लिए ये स्लाइड, ये डायग्राम कचरा है, वो भली माथा ना दुखाएं, 3-4 मिनट आगे फॉरवर्ड कर दे वीडियो को। वो जो मैंने बोला था ना, टेरिडोफाइट के अंदर दोनों जनरेशन डेवलप्ड होती है,
ये देखो हार्ट दिख रहा है, दिल दिख रहा है आपको, ये है ना, मैं इंसान के दिल की बात नहीं कर रहा हूं कि दिल दिखा, पता नहीं किधर उधर देख रहे हो दिल देखने के लिए। तो ये जो हार्ट शेप आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये गैमेटोफाइट होता है, ये गैमेट्स बना देता है, फिर गैमेट्स फर्टिलाइजेशन करके जायगोट बना देते हैं। अब जायगोट क्या करेगा, स्पोरोफाइटिक जनरेशन को डेवलप करेगा, ये स्पोरोफाइटिक जनरेशन है। ये देखो सर, वहां जो दिल था ना, वो देखो छोटा सा दिल यहां पर भी है, अरे वो इस दिल है। अरे सर तू जायगोट को स्पोरोफाइटिक जनरेशन बनानी थी ना, अरे तो लल्ला इस गैमेटोफाइटिक जनरेशन के ऊपर ही, इसी के ऊपर ही स्पोरोफाइटिक जनरेशन डेवलप हो गई है। आपने बोला था सर कि दोनों फूड बना सकती है, यस दोनों फूड बना सकती है, देख लो ग्रीन ग्रीन है ये भी, लो जूमम जूम करते हैं, जूमम जूम करते हैं और देख रहे हैं यहां पर, ये देखो ये स्पोरोफाइटिक है ना, ये भी ग्रीन है, ये भी फोटोसिंथेसिस करके, ये स्पोरोफाइटिक है क्या, गैमेटोफाइटिक, ये जो गैमेटोफाइटिक है ना, ये भी फोटोसिंथेसिस करके खुद का फूड बना लेता है, और इसके ऊपर ये जो यंग स्पोरोफाइट है, जो बाद में अलग होकर खुद भी सेपरेट होकर अपनी बॉडी डेवलप कर लेगा कुछ इस तरीके की, ये भी तो ग्रीन है, ये भी तो हरा भरा है, और जहां पर हरियाली होती है वहां पर फोटोसिंथेसिस होता है। तो क्या दोनों ने अपना फूड बनाया क्या, कि हाँ जी हाँ बनाया सर बनाया। तो इसलिए, अरे किस लिए, ए मैंने बोला नहीं है, पूछा है, अरे किस लिए, किस लिए हम कहते हैं इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन टेरिडोफाइटा के अंदर, क्योंकि ये भी फोटोसिंथेसिस करता है और ये भी फोटोसिंथेसिस करता है। बता तू क्या करेगा, आ जाओ, ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा आई होप। आगे बढ़ते हैं, अब देखो यहां पर वही सब कुछ समझा रखा है आपके स्पोरो, ये अल्टरनेशन जनरेशन के बारे में ही छोड़ दो, ये प्लांट क्लासिफिकेशन में पढ़ लेना। फिर देखो एक है मियोसिस का स्पेशल टाइप ब्रैकीमियोसिस। ब्रैकीमियोसिस को मुझे आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है और ऐसा कोई भी नाम एनसीईआरटी ने कहीं पर यूज नहीं किया है। हायर थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं एम्स के लिए, क्योंकि जो अब अलग से होने वाला नहीं है, तब ये ब्रैकीमियोसिस समझाया जाता है। आप इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन ले लो कि जो एस्कोमाइसिटिस फंजाई होती है ना, एस्कोमाइसिटिस फंजाई में जो मियोसिस होता है वो सेपरेट मियोसिस नहीं होता, उस मियोसिस के अंदर ही एक माइटोसिस इन्वॉल्व रहता है। अब इसमें फीलिंग नहीं लेनी तुम लोगों को, बस कैलकुलेशन करनी है कि सर करो कैलकुलेशन, बताओ माइटोसिस होता है तो क्या एक सेल से दो सेल बनती है, यस सर बनती है। तो बताओ जब मियोसिस होता है क्या एक सेल से चार सेल बनती है, हां सर ये बनती है। तो एक इंटू दो दो, दो इंटू चार आठ, तो फाइनल नंबर ऑफ सेल्स हमें ब्रैकीमियोसिस से एस्कोमाइसिटिस में, अरे कितना मिलेगा, आठ मिलेगा, एट मिलेगा, बस इतना ही याद रखना है आपको, बाकी कॉन्सेप्ट या फंडों में फंसो इच मत इस जगह पर, क्योंकि इतना आपको पूछेंगे इच नहीं। किसी को यूं इच्छा हो नहीं सर मेरे को तो समझना है, तो कमेंट बॉक्स में बोल देना, मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। हाँ, तो याद कितना सा रखना है, ब्रैकीमियोसिस एस्कोमाइसिटिस फंजाई में होता है और इससे एट हैप्लोइड सेल प्रोड्यूस होती है, सफिशियंट। नेक्स्ट, अब आती है एक कहानी है जो सबको बतानी है, किसकी बतानी है, कोल्चिसिन की बतानी है। कोल्चिसिन क्या है, कोल्चिसिन को कहा जाता है माइटोटिक पॉइजन, समसूत्री विष। सर हमने तो विष कन्या देखी है टेलीविजन पर, उसकी बातें नहीं कर रहा, ये टॉक्सिन क्यों है, ये माइटोटिक टॉक्सिन या फिर ये समसूत्री विष क्यों है, इसको हम समझेंगे अगली स्लाइड पर, आइए देखते हैं। छोरी आप खुद अपने आप हैंडल करें, मेरा काम है कॉन्सेप्ट समझाना, फंडे समझाना, अंडे का फंडा नहीं है ये, कोल्चिसिन का फंडा है रे बाबा। आओ देखो यहां पर ये जो प्लांट आपको दिख रहा है, इस प्लांट का नाम होता है कोल्चिकम ऑटमनल, कोल्चिकम ऑटमनल। ये जो कोल्चिकम ऑटमनल है ना, इसी प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है कोल्चिसिन। कोल्चिसिन पता है क्या करता है, इसके लिए आपको जो पीछे पढ़ाया हुआ है उसका थोड़ा नॉलेज काम में आएगा। अगर आप याद करें, अपने दिमाग के पन्नों को पलटे और देखें पिछले पास्ट के अंदर, तो आपको याद आएगा कि इस तरीके से स्पिंडल अपरेटस का डेवलप फॉर्म में दिखाई देना और मिड प्लेट पर क्रोमोजोम का अरेंज होकर मेटाफेज प्लेट बनाना
कब का कैरेक्टर है? अरे सर जी मेटाफेज का कैरेक्टर है। तो ये जो मेटाफेज का कैरेक्टर है ना, ये जो मेटाफेज का कैरेक्टर है ना, इस वक्त को रिकॉल में रखते हुए कोल्चिसिन का कॉन्सेप्ट समझना है। कोल्चिसिन का पता है काम क्या होता है? कोल्चिसिन का काम होता है माइटोटिक अपरेटस के जो स्पिंडल फाइबर्स है ना, इनको डिस्ट्रॉय कर देना। अब सोच के देखो, कोई सेल अगर अभी तक एनाफेज नहीं की है, तो एनाफेज जब आएगा तो याद करो, एनाफेज को मैंने आपको कहा था जुदाई की अवस्था है। इसके अंदर क्रोमोजोम का डिवीजन होगा, वन क्रोमोजोम का हाफ क्रोमोजोम डॉटर क्रोमोजोम इधर मूव कर जाएगा और दूसरा हाफ क्रोमोजोम या डॉटर क्रोमोजोम उधर मूव कर जाएगा। यस सर हमें याद है। बताओ इनको खींच के ले जाने वाला षड्यंत्रकारी कौन था? सर रसोड़े में कौन था? अरे नहीं, उनको इन क्रोमोजोम को एक दूसरे से अलग कराने वाला कौन था? इनको अलग करवाने वाले स्पिंडल फाइबर्स थे। तो जब आप डिवीजन करती सेल में कोल्चिसिन को इंसर्ट कर दोगे, तो सोच के देखो कि क्या एनाफेज स्टेज में क्रोमोजोम का डिवीजन हो पाएगा क्या? सर नहीं हो पाएगा। कि सर इससे फायदा क्या होगा? जब एनाफेज ही नहीं होगी ना कोल्चिसिन के इफेक्ट में, तो सीधी सी बात है साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। साइटोकाइनेसिस नहीं होगी तो टू डॉटर सेल्स नहीं बनेगी। अब मैं इस पूरी सिचुएशन को एक साथ कंटिन्यूटी में बोल रहा हूं, कोल्चिसिन जो कि एक माइटोटिक पॉइजन है, उसके यूज करने से एनाफेज स्टेज कंप्लीट नहीं होती। एनाफेज स्टेज जब कंप्लीट नहीं होती है तो साइटोकाइनेसिस भी नहीं होता। तो उस वजह से, अरे किस वजह से, अरे उस वजह से वो जो मदर सेल दो डॉटर सेल में बटने वाली थी, वो जो जिसने 2C से 4C डीएनए का अमाउंट बनाया था, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपका सेल साइकिल पढ़ा हुआ होना जरूरी है। तो ये जो 2C से 4C बना, ये जो बांट देती इसके अंदर 2C, इसमें भी 2C, वो बंटवारा अब नहीं होगा क्योंकि साइटोकाइनेसिस होगा इज नहीं। अरे साइटोकाइनेसिस होगा इज नहीं तो ये वन की वन सेल पड़ी रहेगी, तो इस वन सेल में क्या डीएनए का अमाउंट डबल हो गया क्या? और आपको सेल डिवीजन की स्टार्टिंग क्लासेज में मैंने समझा रखा है कि अगर डीएनए का अमाउंट डबल हो या क्रोमोजोम का नंबर डबल हो या दोनों एक साथ हो तो इसे पॉलीप्लॉइडी कहा जाता है। तो जब डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा तो ये सेल पॉलीप्लॉइड हो जाएगी, और ये होता है प्लांट्स या बॉटनी के साइंटिस्ट का स्वार्थ कोल्चिसिन को यूज करने के पीछे। हां, कोल्चिसिन को यूज करने के पीछे। अब देखो, समझो कि क्यों कुछ प्लांट्स वैरायटी ऐसी होती है जिसके अंदर जब कोल्चिसिन से पॉलीप्लॉइडी लाई गई, टेट्राप्लॉइडी लाई गई, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया। सर कहना क्या चाहते हो, सीधी भाषा में एक्सप्लेन करो, उलझाया मत करो हमें। फॉर एग्जाम्पल, वो प्लांट वीट का है, गेहूं का है, उसको जब पॉलीप्लॉइड कर दिया गया तो उस प्लांट के पॉलीप्लॉइड होने से प्रोडक्शन ऑफ द वीट, गेहूं का उत्पादन बढ़ गया। और सर मजे की बात है, इसीलिए साइंटिस्ट लोग ये मजे लेते हैं, लेबोरेटरी में कोल्चिसिन के साथ लगे रहते हैं कि प्लांट को पॉलीप्लॉइड कर दो, एबनॉर्मल इफेक्ट पड़ता है तो उसको यूज नहीं करते, और अगर नॉर्मल इफेक्ट पड़ता है, कौन सा वाला नॉर्मल, प्रोडक्शन बढ़ाने वाला नॉर्मल, तो अगर इस कोल्चिसिन के यूज से आने वाली पॉलीप्लॉइडी से अगर प्लांट का प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो वो उस फिनोमेना को प्रमोट कर देते हैं, उसको वो यूज कर लेते हैं प्लांट्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। बाकी कब समझाएंगे आपको माइक्रोब्स वाले और प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड जो स्पेशल चैप्टर्स लास्ट में आएंगे उनमें इसकी एक्सप्लेनेशन समझाएंगे। अब मैंने यहां लिखा क्रोमोजोम स्टडी। सर पॉलीप्लॉइड में कैसे फायदा होता है वो हम समझ गए, आप बताओ ये क्रोमोजोम स्टडी में कैसे फायदेमंद है? देखो क्रोमोजोम स्टडी में कैसे फायदेमंद होंगे, बताओ क्रोमोजोम की स्टडी कब करते हैं? सर मेटाफेज में करते हैं। कोल्चिसिन को यूज करने से कौन सी स्टेज नहीं होगी? सर एनाफेज नहीं होगी। तो क्या क्रोमोजोम ऐसे फूट रहे
स्टडी करने लायक दिखते रहेंगे, यस सर दिखते रहेंगे। तो हो गया नारे बाबा। तो जब एना फेज नहीं होगी, जब क्रोमोजोम डिवाइड नहीं होगा, तो क्रोमोजोम अपनी नॉर्मल मॉर्फोलॉजी नॉर्मल स्ट्रक्चर में मेंटेन रहेगा, तो हम क्रोमोजोम की स्टडी कर पाते हैं अच्छे से कोल्चिसिन के यूज से। समझ गए? हाँ सर समझ गए। नहीं समझे हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछो। फिर उसके बाद कुछ रटने के पॉइंट है, एमटीआर है, मारो टोटल रट्टा है, कुछ भी समझाना नहीं है इसके अंदर। देखें ये क्या है, समझा देता हूं रटने वाले पॉइंट, इसलिए फास्ट भी बोलूंगा, याद करना अच्छे से याद करना। किसी को इसका रीजन चाहिए मैं कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन कर दूंगा। माइटोसिस की आपको स्टडी करनी है ना एनिमल सेल में, तो आप ह्यूमन की चिक सेल मानव की गाल की कोशिका से स्टडी करोगे। अगर आपको माइटोसिस की स्टडी करनी है प्लांट सेल के अंदर, तो आप रूट टिप लोगे। रूट टिप मतलब मूल सिर्स की कोशिका लोगे। किसकी? कांदे की, अनियन की। अनियन की क्यों लेते हैं लेबोरेटरी में, बॉटनी की लेबोरेटरी में नॉर्मली अनियन के रूट की स्लाइस कट की जाती है। और सर उसी की क्यों की जाती है? क्योंकि उसके मियोसिस, सॉरी, क्योंकि उसके रूट टिप में रैपिड माइटोसिस होते हैं, फास्टम फास्ट माइटोसिस होते हैं, और फ्लैटेंड सेल में डिवीजन की स्टडी माइक्रोस्कोप के अंडर में बड़ा इजीली होती है, इसलिए इसमें स्टडी करते हैं। फिर मियोसिस की स्टडी करने हैं तो प्लांट सेल में कहां करेंगे? एंथर में करेंगे। किसका एंथर लोगे? अनियन का लोगे। रटने का पॉइंट है बस, एंथर में क्यों? आपको पीछे अभी बताया है कि मियोसिस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है, तो एंथर क्या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं हो गया क्या? रे हो गया रे बाबा, ओ रे बाबा रे बाबा। तो अब आओ एनिमल सेल में, एनिमल सेल में मियोसिस होगा आपके ओवरी में या टेस्टिस में। अब कौन ह्यूमन ऐसा है जो अपना टेस्टिस देगा कि लो कर लो मियोसिस की स्टडी? तो इसलिए बेचारे ग्रास हॉपर या टिड्डे को पकड़ते हैं बड़े जालिम जुर्म के साथ, कलियों की मानसिकता के साथ उसके टेस्टिस को रिमूव करते हैं, और उसके अंदर स्पर्म जब प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, उस स्पर्म के प्रोडक्शन के बीच की डायग्राम्स को देखकर मियोसिस की स्टडी कर लेते हैं। सर दुखी क्यों हो रहे हो? क्यों दुखी नहीं होऊंगा बताओ? बेचारे ग्रास ऊपर टिड्डे मेल का टेस्टिस निकाल डाला बेचारे, बेचारे नहीं जालिम लोगों ने, इसलिए दुखी हो रहा हूं मैं, बड़े दुख की बात है। फिर उसके बाद एक टर्म आता है इक्वेशनल एंड रिडक्शनल डिवीजन। इक्वेशनल एंड रिडक्शनल डिवीजन, ये चीजें मैं पीछे समझा चुका हूं। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया था, सर ये वर्ड्स क्यों यूज किए जाते हैं मियोसिस फर्स्ट और सेकंड के लिए? समझा देते हैं। अब बताओ जब मियोसिस फर्स्ट होता है, ये सब नोट्स आपको भेज रखे हैं और ये बात मैंने पहले समझा भी रखी है, जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो 2n सेल, 2n मदर सेल से n डॉटर सेल बन जाती है, हासर बन जाती है, तो क्या क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, हासर हो गया? तो जब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया तो बताओ इक्वेशनल डिवीजन की रिडक्शनल डिवीजन, सॉरी रिडक्शनल, रिड्यूस हो गया क्रोमोसोम का नंबर, इसीलिए, अरे किसी लिए, इसीलिए मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। पर जब मियोसिस सेकेंड होगी तो ये मदर सेल 2n और ये दोनों डॉटर सेल भी, सॉरी ये मदर सेल n और ये दोनों डॉटर सेल भी n, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या इक्वल रहा? यस सर रहा जी रहा। तो जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल रहा, हाफ नहीं हुआ, तो मियोसिस सेकेंड को क्या नाम देंगे? इस मियोसिस सेकंड को मैं क्या नाम दूं? सर दे दो इक्वेशनल डिवीजन, और तो क्या है, वही बचा है दोनों में से। फिर डाउट, ये डाउट, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। डाउट ये है कि बताओ कि सर जब मियोसिस की वजह से नंबर ऑफ क्रोमोजोम हाफ होते हैं तो ये कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम को इक्वल रख सकता है? कमेंट बॉक्स में आंसर देके बताओ इसका क्या आंसर होगा, मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ही बाद में। क्या है, मैं क्वेश्चन फिर से सुन लो, जब मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर सेल से डॉटर सेल में आधे हो जाते हैं तो ये वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, मतलब मैया एंड पप्पा के नंबर ऑफ क्रोमोसोम का, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम को अगली जनरेशन में, मतलब लल्ला एंड लल्ली में कैसे मेंटेन कर देता है? ये तो हाफ करने वाला है ना, इक्वल कैसे कर देगा? बताएं मुझे आपके अकॉर्डिंग इसका कारण क्या है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।